कई राज्य सरकारें चाहती हैं कि उनके राज्य में तेजी से रेल का विकास हो, रेलवे का विकास हो, और उस दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जिससे जो भी राज्य सरकार चाहे वो रेलवेज के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी बना के फंड्स मोबिलाइज कर सकती हैं, उस कंपनी के द्वारा खुद का इक्विटी डाल सकती हैं, उसमें ऋण लिया जा सकता है, बॉन्ड्स इश्यू किए जा सकते हैं, जिससे राज्य सरकारों और रेलवेज के बीच जॉइंट वेंचर के माध्यम से तेजी से रेलवे का विकास हो। राज्य सरकारों को अब ताकत मिलेगी कि वो भी तय कर सकते हैं उनकी जरूरतों के हिसाब से रेलवे कॉरिडोर्स कहाँ बनाए जाए, रेलवे में विकास किस एरियाज में किया जाए, और साथ ही साथ राज्य सरकार की इन्वॉल्वमेंट से उन कंपनियों के माध्यम से प्रोजेक्ट्स भी फास्टर एग्जीक्यूट होंगे। भारत और जर्मनी के बीच इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का डिक्लेरेशन पहले 2017 तक ही था, उसकी अवधि 5 वर्ष और बढ़ाई गई है। इस 5 वर्ष की अवधि बढ़ाने से एडिशनल फंडिंग एलोकेशन मिलेगी जिससे भारत और जर्मनी के बीच टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और ज़्यादा अधिक कोऑपरेशन हो सकेगा। फंडिंग एलोकेशन 2 मिलियन यूरो पर ईयर से बढ़ा के मैक्सिमम 4 मिलियन यूरो हर वर्ष तक दोनों देश लगा सकें।